हे गाइस, दिस कोड स्नैक। आज हम लोग विजुअलाइज करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम बबल सॉर्ट। वो कैसे करेंगे? हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइंस, और उनकी लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जिसका मतलब क्या है, सबसे पहले छोटी सी लाइन आएगी और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में उनकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। वो कैसे करेंगे? लाइन का मैंने क्लास बनाया है जिसमें मैं एक्स सेट करूँगा। एक्स कैसे सेट होगा? जीरो से लेके विथ जितनी विंडो की है, क्योंकि वर्टिकल लाइंस बनानी है अपने को, तो पूरा विथ अपने को कवर करना है। तो वो बाद में जब हम लोग उसका एरे बनाएंगे तब उसको सेट कर देंगे। और वाई जो है उसका मतलब हाइट, वो रैंडमली जनरेट करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में आएगा, तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके पूरा अपना स्केल कर देंगे। अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सेल्फ मैंने डाला है अभी एक्स और वाई, ये जो पॉइंट है इस पर हम लोग एलिप्स बनाएंगे, सॉरी लाइन बनाएंगे। और फर्स्ट पॉइंट रहेगा सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? विंडो का बॉटम, यानी कि एक्स सेम रहेगा और उसका जो हाइट है वो अपना वाई रहेगा, क्योंकि नीचे तक अपने को बनाना है लाइन। ये हो गया अपना लाइन ड्रॉ। इसका स्ट्रोक मैं सेट कर दूंगा 255, वाइट कलर रखेंगे हम लोग इसका स्टार्टिंग में, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करके चेंज करेंगे कलर्स को इसकी वैल्यू के हिसाब से, यानी कि जो भी लेंथ है इसकी उसके हिसाब से। अभी इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट हुई? ये जो वाई बन रहा है रैंडमली, वो है ऊपर से नीचे तक। अपने को लेंथ चाहिए नीचे से ऊपर तक, क्योंकि नीचे से ऊपर तक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लेंथ क्या होगी? हाइट माइनस जो भी वाई है वो, क्योंकि हाइट हो गया अपना पूरा, और जो वाई है वो ऊपर से विंडो के ऊपर टॉप हिस्से से जो नीचे तक वाई जो आ रहा है जो भी रैंडमली उस तक। और जब सॉर्टिंग करेंगे हम लोग, तो सॉर्टिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं? उनकी लेंथ चेक करते हैं, आगे वाला पीछे वाले से छोटा है कि नहीं, अगर है तो स्वैप करो। तो वही चीज़ चेक करने के टाइम पे हम लोग वैल्यू फंक्शन कॉल करेंगे। अब चलिए अपने विंडो को पॉपुलेट कर देते हैं लाइन्स से। लाइन्स का लिस्ट बनाता हूँ, ग्लोबल लिस्ट, और इसमें मैं क्या अपेंड करूँगा, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा लाइन्स का। और हर एक को मैं एक्स कितना दूंगा, जितना कि अपना विड्थ तक जाएगा आई, आई जाएगा 0 से लेके विड्थ जितनी भी है। और वाई तो उसका रैंडमली जनरेट होने ही वाला है। तो बन गए अपनी लाइन, अपेंड कर दिया मैंने और आई डाल दिया एक्स की जगह पे। अभी सभी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं कैसे। लूप लगाएंगे और फॉर आई इन लाइंस और फॉर एनी वेरिएबल नेम इन लाइंस, वो वेरिएबल नेम अपना एक एक ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। फिर उस पर हम लोग ड्रॉ फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे वो लाइन अपनी विंडो पे ड्रॉ हो जाएगी, जिससे पूरा जो लिस्ट था अपना, जितनी भी लाइंस है, सब अपनी विंडो पे ड्रॉ होने वाली है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए लाइंस बन चुकी है रैंडम लेंथ की। अभी इसी को हमको सॉर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? बबल सॉर्ट में जो सॉर्टिंग होती है वो क्या करती है, जो लिस्ट रहता है अपने पास पूरा, उसको एक बार पूरा चेक करती है। हर एक दो एलिमेंट्स को चेक करती है, क्या ये सामने वाला उससे छोटा है कि नहीं, अगर छोटा है आगे वाला तो उसको पीछे लेके आते हैं हम लोग। ऐसे ही पूरा लिस्ट चेक होता है एक बार। ऐसे ही मल्टीपल पासेस रहते हैं, वो पास कितने होते हैं पूरे लिस्ट के थ्रू, वो विथ माइनस वन, जितना भी आपका लेंथ है लिस्ट का उससे एक कम बार वो पूरा चलता है। माइनस वन क्यों? क्योंकि अपना जब लास्ट एलिमेंट चेक करेगा उसके बाद भी कुछ होना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा एक पीछे लेते हैं हम लोग। और जे इन रेंज विथ माइनस आई, आई क्यों? क्योंकि एक एक कम होते जाएंगे, जैसे ही एक बड़ा सा एलिमेंट पूरे लिस्ट में से आगे बबल हो जाएगा तो अपने को लास्ट वाला एलिमेंट चेक नहीं करना, इसलिए माइनस वन माइनस टू ऐसे बढ़ते जाएंगे, और वो अपना जो सॉर्टेड लिस्ट है पीछे वो सॉर्ट होता जाएगा, इसलिए अपने को माइनस आई चेक करना है। अभी कैसे चेक करेंगे? अगर जेथ एलिमेंट बड़ा है जे प्लस वन से, तो उसको स्वैप करना है। स्वैप फंक्शन बाद में बना देंगे, इसमें अरे रहेगा अपना और दोनों इंडेक्स रहेंगे जिसको स्वैप करना है। अभी हम लोग स्वैप क्या करेंगे? स्वैप हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्वैप करने से कुछ नहीं होगा, उसका एक्स और वाई सेम रहेगा। सो अपने को एक्स पोजीशन उसकी स्वैप करनी पड़ेगी। इस ऑब्जेक्ट को जो एक्स है वो उस वाले ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा और उस वाले का एक्स इसमें लेना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? टेम्पररी वेरिएबल में फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैं सेव करता हूँ एक्स। अभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट के एक्स को चेंज कर सकते हैं किससे? दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्स से। और फिर बाद में लास्ट में ये जब हो जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के एक्स को हम लोग टेम्पररी वेरिएबल जो था वो असाइन कर देंगे, इससे हमारा स्वैप हो जाएगा एक्स पोजीशन। और क्योंकि हम लोग ये पूरा अल्गोरिदम एक ही ड्रॉ के कॉल में कर रहे हैं, ड्रॉ मल्टीपल टाइम्स चलता है, एक ही बार हम लोग कर रहे हैं पूरा सॉर्टिंग, इसलिए डायरेक्टली वो सॉर्ट होके आएगा। अभी इसको चला के देखते हैं हम लोग। सॉर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स नहीं चेंज करना था, अपने को वाई चेंज करना था। लेंथ स्वैप करनी है, एक्स स्वैप करने से कुछ नहीं होगा, तो एक्स की जगह वाई लिख देता हूँ और बाद में रिटर्न कर देता हूँ ये जो अरे है उसको रिटर्न कर देता हूँ, और वापस से लाइंस में असाइन कर दूंगा मैं। ग्लोबली लाइन को डिक्लेयर किया ताकि उसको चेंज कर सके। ये हो गया पूरा कार्यक्रम। अभी इसको चला के देखते हैं।
लिस्ट पूरा अपना चेंज हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है इस एल्गोरिदम से। ये देखिए पूरा सॉर्ट हो चुका है, वाइट आपको एक हिल बनता दिख रहा है, जिसका मतलब क्या है, छोटी वाली लाइन सबसे नीचे है और बड़ी वाली सबसे ऊपर है। अभी इस चीज़ को हम लोग एक बार करते हैं वन एट अ टाइम, जिससे अपने को दिखेगा एनिमेशन लाइन कैसे पूरी दूर तक जाती है, पूरी ट्रैवल करती है ऐसे स्वैप हो के। वो कैसे करेंगे, जैसे ही ड्रॉ चलेगा एक बार तो वो पूरा चेक करेगा कंडीशन, और फिर एक और बार चलेगा तो जे को वन से इंक्रीज करेगा। इफ़ जे इज़ लेस देन विथ, हाँ भाई जे कम है विथ से, ज़्यादा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं गया, तो एक बढ़ा दो उसको, और फिर बाद में अपने को जे चेक करना है कि भाई अगर विथ से ऊपर निकल गया है तो आई को बढ़ाना है और जे को वापस से जीरो पे लेके आना है। इसका मतलब क्या है, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक और इटरेशन, एक और पास अपने को करना है नेक्स्ट टाइम। तो इससे आई और जे दोनों बार बार एक एक करके बढ़ते जाएंगे और अपना पूरा सॉर्टिंग अपने को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। अभी जल्दी इसको रन करके देखते हैं, एरर आया है, क्यों आया है एरर, आई और जे हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ आई और जे, और इनिशियलाइज करूँगा दोनों को 0 0। इससे क्या होगा, एक स्टार्टिंग में लाइन आगे बढ़ती दिखेगी अपने को, जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो बबल होकर लास्ट में पहुँच जाएगी। चलिए इसको रन करते, ये देखिए लाइन बढ़ रही है आगे, जैसे अपने को बड़ी लाइन मिल रही है वो आगे जाती जा रही है। अभी हम लोगों ने आई का तो कुछ किया ही नहीं, आई का कंडीशन नहीं चेक किया, आई का भी कंडीशन डाल देते हैं तो इन्फिनिटी तक जाएगा आई। सो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन विथ, आई विथ से ज़्यादा हो गया, यानी कि पासेस अपने बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जितने चाहिए थे अपने को, तो आई को और जे को दोनों को ज़ीरो करना है, अपने को रीसेट करना है। अगर आपको नो लूप चाहिए तो नो लूप डाल सकते हो, जिससे ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा रुक जाएगा अपना ये जो एनिमेशन था। नो लूप डालते हैं क्योंकि 0 0 करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा वो। ये देखिए अभी ये जा रहा है, लाइन आगे बढ़ रहा है, अगर नेक्स्ट पास नहीं हुआ तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का कुछ एरर आएगा मे बी। हाँ भाई वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ चुका है, क्यों आया है, क्योंकि जे अपना बहुत ज़्यादा ही आगे पहुँच चुका है, जितना उसको लिमिट में था उससे आगे गया है, तो -1 कर देता हूँ मैं। एक और बार चला के देखते हैं, अगर फिर भी नहीं चला तो अपने को जो इंक्रीमेंट है जे का वो नीचे लेके जाना पड़ेगा, और इसमें दो जो आई को बढ़ा रहे उसका लिमिट में अपने को -2 करना पड़ेगा। जो फर्स्ट पास तो अच्छे से चल रहा है, नेक्स्ट पास में मे बी एरर आएगा, और आ गया है एरर। तो चलिए उसको फर्स्ट जो जे का इंक्रीमेंट है उसको नीचे लेके जाते हैं, और जो आई का इंक्रीमेंट है उसमें -2 कर देते हैं। ये देखिए लाइन बढ़ रहा है, फर्स्ट पास तो अच्छे से चलता है, सेकंड पास में देखना है। हाँ हो गया, सेकंड पास भी हो चुका है। अभी इसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं, इसको फास्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको अपने को मल्टीपल टाइम्स करना है एक ही फंक्शन कॉल में। सो फॉर नंबर इन रेंज, कितना फास्ट करना है आपको उसके हिसाब से नंबर डालो। 100 टाइम्स में चलाऊँगा इसको, तो थोड़ा एकदम तेज़ी से जाएगा वो। अभी इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए गाइस कितना फास्ट सॉर्ट हो रहा है वो। अभी इसको जो स्पीड है इसको थोड़ा डायनेमिक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उधर माउस एक्स डाल सकते हैं, ताकि जितना आप माउस दूर लेके जाओगे इतना फास्ट हो जाएगा, जैसे ही पास में लाओगे थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्पीड का आपके पास कंट्रोल आ जाएगा उससे। तो चलिए वो इम्प्लीमेंट करते हैं, 100 के बदले माउस एक्स डालते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ अपने माउस को, वो फास्ट हो जा रहा है, और जैसे ही पीछे ले रहा हूँ मैं वो स्लो हो जा रहा है। ये देखिए सबसे फास्टेस्ट स्पीड और सबसे स्लोएस्ट, जिसमें आप लाइन को देख सकते हो मूव करता हुआ। तो गाइज ये था अपना बबल सॉर्ट। अगर आपको कुछ दूसरा एल्गोरिदम भी विजुअलाइज करना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस बबल सॉर्ट को आप दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कलर के हिसाब से सॉर्ट करके या फिर एंगल के हिसाब से सॉर्ट करके। सो गाइज लगाओ दिमाग और कमेंट करो आइडियाज़ अपने, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, किस वैल्यू के हिसाब से। सो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।